एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं गिरिडीह, जो कि वुमेंस कॉलेज कॉलेज जा रहे हैं तो वुमेंस कॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम है, तो वही एग्ज़ाम के सिलसिले में जा रहे हैं। तो गिरिडीह में है, हमारे झारखंड के गिरिडीह ज़िले में वुमेंस कॉलेज है, तो वहीं जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल ओम सत्या ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में, तब तक के लिए बाय। सो अभी हम निकल चुके हैं गिरिडीह कॉलेज की ओर। ये उधर से जाने का बहुत ही अच्छा रास्ता है, मतलब कि रोड है, और इधर से बहुत ही अच्छा लुक भी आता है। पूरा का पूरा हरियाली ही हरियाली है इधर, क्योंकि ये बहुत ही अंदर वाला गांव था। और अब हम पहुंच चुके हैं अपना कोल्हर मोड़ पे। यहाँ से बस बैठेंगे और अब हम बस बैठ चुके हैं। बस में बैठने के बाद हमारे पास लगभग आधे घंटे का समय बस में बैठने का, क्योंकि आधे घंटे के बाद हमें गिरिडीह पहुँचा दिया जाएगा। अभी हम पार कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ा नदी, जो कि बड़ाकर नदी है। इसमें अभी इतना पानी तो नहीं है, बट बहुत ही बड़ा नदी है। जब बरसात का मौसम रहता है तो बहुत ही ज़्यादा पानी आता है इसमें। तो अभी हम वो नदी पार कर चुके हैं। हमारा बस एक जगह पर रुका है, जो कि जगह का नाम है ताराटांड। यहाँ पे एक स्टैचू भी लगा हुआ है। फिर हमारा बस चल पड़ा और जाते जाते कुछ यहाँ का इस प्रकार से नज़ारा है। खिड़की के अंदर हैं हम, खिड़की वाले सीट पे। तो अभी हम लगभग पहुंच ही चुके हैं बड़ा चौक में। अभी हम और बड़ा चौक से 10 मिनट का रास्ता है गिरिडीह, और फिर वहां से हम बैठेंगे टोटो पे। यहां से निकल चुका है हमारा बस बड़ा चौक से, और अब सीधा का सीधा रुकेगा बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे रुकने वाला है अब हमारा बस स्टैंड पे रुकेगा हमारा बस। बस के अंदर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, जो कि जूम करने के कांच के आगे तो दिखाई नहीं दिया था। तो अब हम बस से उतर के बैठ चुके हैं अपने टोटो पे। टोटो का सवारी करते हुए जाएंगे वुमेंस कॉलेज के लिए। ये है बस स्टैंड का नज़ारा, जो कि बस स्टैंड से हम जा रहे हैं वुमेंस कॉलेज गिरिडीह की ओर। ये बस पहुंच ही गए हैं हम वुमेंस कॉलेज गिरिडीह। ये है हमारा वुमेंस कॉलेज गिरिडीह, सॉरी ये नहीं है, इसके बगल वाला है। ये वो है हमारा वुमेंस कॉलेज गिरिडीह। ये है आरके महिला कॉलेज गिरिडीह, श्री रामकृष्ण महिला कॉलेज गिरिडीह। तो अब हम कॉलेज से निकल चुके हैं और अभी हम हैं झंडा मैदान में। झंडा मैदान से सीधा जाएंगे बस स्टैंड। अभी हम आ चुके हैं बस स्टैंड, यहाँ पे ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं। ऑटो में बैठ चुके हैं
अब ऑटो में बैठ चुके हैं तो अब निकल चुके हैं हम घर की ओर। कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।